नमस्कार, आप देख रहे हैं तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। टीएनआर न्यूज़ का काफिला राजधानी रायपुर में चल रहा है तुहर पार्षद तुहर सवाल के कार्यक्रम पर, और हमारी मौजूदगी इस समय है वार्ड नंबर 29 गुरु गोविंद सिंह वार्ड में, और यहां से कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा पार्षद हैं पुरुषोत्तम बेहरा जी, वही हमारे साथ है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कैसा इनका कार्यकाल चल रहा है, चूँकि इस साल चुनाव भी होने हैं पार्षद का, और उनके कामकाज कैसे रहे हैं और उनका जीवन कैसा रहा है, इसी को जानने हम पहुंचे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे, चूंकि चैनल का पहला पड़ाव ही रहता है सर, निजी रूप से हमारी दिलचस्पी रहती है जीवन के बारे में जानने की, और मैंने कहा कि सबसे यंगेस्ट पार्षद हैं आप पूरे रायपुर में, इतने कम उम्र में पार्षद राजनीति में और भी राजधानी रायपुर में मायने रखता है, अपने जीवन के बारे में बताइए थोड़ा सा, फिर चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं शुरू से पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ, और 99 में मेरे पिताजी फर्स्ट टाइम पार्षद बने, तब वो एक स्टार्टिंग में पहले मेरे पिताजी के पहले भी कोई पार्षद नहीं था हमारे परिवार पे, ना ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन पिताजी के जो अच्छे कार्य समाज सेवा को देखते हुए, मेरे पिताजी एक पान ठेला चलाते थे पिताजी, तो उस पांटेले में बैठकर लोगों की सेवा की पिताजी ने, और उनको 99 में टिकट दी कांग्रेस पार्टी, जिससे वो पार्षद बने, और लगातार 3 साल हमारे परिवार के पार्षद रहे, 2 बार मेरे पिताजी, 1 बार दादी रही, 4थे बार फिर इस बार हूँ, और 5वीं बार फिर मैं करने वाला हूँ। और वैसे तो पॉलिटिक्स में मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, लेकिन 18 फरवरी 2018 को एक ऐसी घटना हुई कि उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया। मेरे फादर मम्मी मतलब सब शादी भी गए थे बारात पे, तो वहाँ पे मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, खाई से गिर गई गाड़ी 40 फीट। तो वो दिन ऐसा दिन था जिसको आज भी याद करके मतलब आंसू तो बहुत कम है, दिल में इतना ज़्यादा दर्द है कि आज पिताजी का साया भी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो मेरे पिताजी की सोच थी समाज सेवा को लेकर, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने उसके बाद हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने फिर हमारे पिताजी के जगह हमने लिया, और वहाँ पर सेवा अर्चना की लोगों की, और आज उस सेवा का अवसर हम वहाँ के जनता ने हमें दिया है, पार्षद बनाया है, और 23 साल में पार्षद बना हूँ मैं, सबसे युवा पार्षद बोलते हैं ऐसा मेरे जानकारी के हिसाब से, तो बहुत गर्व भी होता है और खलता भी है कि पिताजी नहीं हैं हमारे, और जिस हमारे पिताजी जहाँ काम कर रहे थे आज हम उनकी जगह में बैठे हैं, उसके लिए गर्व भी है। आपने कहा आपके पिताजी पार्षद थे, ठेले की दुकान, संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा है, परिवार भी आपका काफ़ी संघर्ष किए, शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी से एसोसिएट रहे आप लोग? हम लोग शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी से एसोसिएट रहे हैं जी, और फिर मैं भी पढ़ाई चल रहा था मेरा 2018 में, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और जस्ट पढ़ाई कंप्लीट ही हुई थी और पिताजी का ये दुर्घटना हो गया, जिसके कारण फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए पिताजी के जगह में, क्योंकि पिताजी नहीं होने के कारण वहाँ के जो लोग थे बहुत मतलब लोगों की नीड थी कि आज हमारे पिता जो उनके नेता थे जो जननायक थे वहाँ के हमारे पिताजी वो नहीं हैं, और वो चाहे कि उनके जगह पर हम लोग फ्रंट फेस पे आकर हम लोगों की सेवा करें। ये कहाँ से पढ़ाई की आपने, बीटेक? तो वहाँ से आपके पास तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर यहाँ राजनीति में आ जाना, भाई सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा ओहदा होता है, वहाँ से फिर यहाँ तक का लगता नहीं है कि पढ़ाई बेकार हो जाएगी या फिर वहाँ पढ़ाई का अनुभव राजनीति में काम आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी का वो था, परिवार में भी ऐसा हुआ कि प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी हमको दी गई, क्योंकि हम लोग 2 भाई हैं, छोटा वाला भाई भी है मेरा एडवोकेट है, ज़्यादातर तो वो राजनीति करता था, मुझे तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, पिताजी के साथ वही घूमता था और सब चीज़ों को वही लेकर चलता था, लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरे को फ्रंट फेस में आना पड़ा और मैं आगे आके अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। अमृत मिशन योजना की बात कही, अलग अलग वार्डों में तो काम चल ही रहा है, लेकिन अब गर्मी के दिन आ गए हैं, आपके वार्ड में अभी भी टैंकर आते हैं? अभी भी टैंकर आ रहे हैं हमारे वार्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ओवर टैंक है,
जो एक शंकर नगर और देवेंद्र नगर से जहाँ से हमारे यहाँ सप्लाई होने वाली है, दोनों टंकियों से हमारा जो टैलिंड है, हमारा वार्ड है जिसका टैलिंड है, जिसके कारण पानी का जो फोर्स होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, नहीं आ पाता है हमारे वार्ड में। तो उसके कारण हमारे वार्ड में जनरली पानी के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। हमने देखा है ना, अमृत मिशन योजना के तहत जगह जगह गड्ढे, रास्ते में पूरा पूरा गड्ढा खोद के, आपके यहाँ ऐसा अभी बता रहे थे अभी पूरा नहीं हो पाया है, तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी गड्ढा वड्ढा खोद के? ऐसे कुछ इलाके हैं जितने, मतलब ऐसा है कि जो हमारे मेन रोड है उसको तो हमने पहले बनवा कर, रोड को भी हमने बनवा दिया, लेकिन बीच बीच में जो वार्ड के अंदर जो घनी बस्ती है वहाँ पर अमृत मिशन के कुछ अभी भी कार्य चलने के कारण अभी भी गड्ढा और ये सब हो रहा है। तो उसके लिए अभी तक बोले नहीं है कि ये कब तक पूरा, क्योंकि काम तो आप बता रहे हैं कि वो चल ही नहीं रहा अमृत मिशन का, फिर उसको खोद के अभी तक रखे हैं। 70% काम हमारे यहाँ हुआ है, 30% बाकी है, और 30% काम पूर्ण करने की गुहार हम रखे थे समीक्षा बैठक में, और जहाँ पे हमको 15 मार्च तक का समय दिया गया। अब आपके क्षेत्र में कई अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, राशन कार्डधारी हैं, आपके समय में आपने कितने राशन कार्ड बनवाए, आते होंगे आपके पास? हमारे यहाँ भी आते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा मार्केट सामने पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत सारे रोज़गार के लिए दूसरे दूसरे शहरों से भी वहाँ लोग आते हैं, जो कि वहाँ काम करने के लिए, रोज़गार के लिए आते हैं, और जस्ट हमारा वार्ड लगा हुआ होने के कारण हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग आए हैं, तो कई लोगों का कार्ड ट्रांसफ़र भी हमने किया है, और नई राशन कार्ड बनने की संख्या तो कम है क्योंकि पहले से ही वहाँ पे राशन कार्ड बने हुए हैं। कितने लगभग लगभग आपने बनवाए होंगे इस कार्यकाल में आपने राशन कार्ड? अभी इस कार्यकाल में हमने 400-500 राशन कार्ड नए बनाए हैं अभी। दुकान कितने हैं? दुकान हमारे यहाँ 3 दुकान है। अब तो सुविधा ऐसी हो गई है कि आप कहीं भी जाके राशन ले सकते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे दूसरे दूसरे जगह से। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर क्या स्थिति है आपकी? स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हमने अभी कार्य प्रगति पर है, हमने अमर अस्पताल के नाम से एक क्लिनिक हमने खोला है, अमर क्लिनिक अभी हमारे यहाँ बन रहा है, और एक पुराने भवन में संचालित हो रहा है, उसका नई बिल्डिंग हमने बनाई है। वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं रहेंगी? जो नॉर्मली जो तबीयत लोगों को सर्दी खांसी बुखार और मतलब बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं छोटे मोटे, तो वहाँ पे चेक हो जाते हैं, नॉर्मली ब्लड टेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं अभी उन हमारे क्लिनिक के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में एक मोबाइल वैन वाली योजना चल रही थी, आपके यहाँ आती है अभी भी? अभी भी आती है, हर संडे को हमारे यहाँ पे 3 जगह हैं वहाँ पर नियमित वो बस आ रही हैं, और बहुत अच्छा योजना समझता हूँ मैं, क्योंकि आज हर घर में शुगर और बीपी है, और आप भी जानते हैं कि शुगर का जो बीमारी है वो इतना महंगा है कि आज अगर आप शुगर की दवाई लेने जाओगे तो 1000-1500 से कम नहीं आएगा, चाहे वो अमीर के लिए हो या गरीब के लिए हो। तो उस स्थिति में सरकार के द्वारा इतनी अच्छी योजना चलाई जा रही है जिसमें फ्री में शुगर, बीपी, बहुत सारी और भी जो बीमारियां हैं उनके लिए दवाई दी जा रही है फ्री पे, तो बहुत अच्छा सराहनीय ये योजना है मेरे हिसाब से। तो जी, रायपुर में एक तरह से जब बात आती है ना साफ़ सफाई को लेकर, तो बहुत से वार्डों में जब हम घूमते हैं लोगों की शिकायत रहती है, और बहुत से पार्षदों की शिकायत ये रहती है कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है इसलिए ढंग से साफ़ सफाई, आपके यहाँ स्थिति कैसी है? हमारे यहाँ भी चूँकि इस बार वार्ड जो हमारा क्षेत्रफल है परिवर्तन होने के कारण हमारा वार्ड का भी जो क्षेत्रफल है बढ़ चुका है, और क्षेत्र के हिसाब से कर्मचारी तो कम है, लेकिन हम उसमें भी अभी मैनेज कर रहे हैं, हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था ठीक है, जहाँ पे कंप्लेन आते हैं वहाँ तीव्र गति से हम वहाँ पे सफाई का काम करवा देते हैं। नियमित रूप से होता है, अलग अलग मोहल्ले का अलग अलग डे वाइज हम लोग बांट के रखे हैं कि मंडे को इतने ये 3 मोहल्ले में होगा, ट्यूसडे को ये 3 मोहल्ले में होगा, तो ऐसे नियमित रूप से हमारे यहाँ हर हफ्ता में एक बार हर मोहल्ले में सफाई होता है। गर्मी के दिन हैं अभी, मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं,
और ऐसे में जो फॉगिंग मशीन होता है, बहुत से जगह जब जाते हैं ना, एक जोन में एक फॉगिंग मशीन और पूरा का पूरे जितने वार्ड हैं उसमें घूम घूम के रहता है। आपके यहाँ स्थिति कैसी है? आपके यहाँ घूमता है फॉगिंग मशीन? अभी तो रेगुलर आ रहा है, बीच में बंद रखे थे। अच्छा। अभी रेगुलर आ रहा है फॉगिंग, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉगिंग कोई इलाज नहीं है मच्छर को भगाने का, क्योंकि 2 मिनट लगता है धुआं को हटने में और फिर मच्छर इधर उधर छुपे रहते हैं कहीं कोने में, फिर वापस आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉगिंग कोई समस्या नहीं है मच्छरों को भगाने के लिए, हटाने के लिए। अभी आपके कांग्रेस पार्टी की सरकार थी भूपेश बघेल की, सत्ता से बाहर हो गई, बीजेपी जो सबसे बड़ा कार्ड खेल कर आई महातारी वंदन योजना, और चूंकि आप कांग्रेस के पार्षद हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार की योजना है तो उसको लाभ दिलाना है। आपके यहाँ आ रहे हैं महिलाएं, हुआ अभी, अब तो फॉर्म भरना बंद हो गया है। और हमने 2500 फॉर्म भरे हैं हमारे यहाँ, मेरे वार्ड से 2500 2700 करीब हमने फॉर्म भरे हैं हमारे वार्ड से, और हमने तो यही प्रयास किया है सरकार की जो भी योजनाएं रहेगी, चाहे वो कांग्रेस शासन की हो या बीजेपी की, अगर जनता के लिए जो योजनाएं बनी हैं तो हम बिल्कुल प्रयास करते हैं कि वो लोगों तक उस योजना का लाभ मिले। इसमें ऐसा कोई भेद तो नहीं है कि बीजेपी वाले हैं तो इनकी योजना को क्या? वो ऐसा नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस एक विचार है, उस वो चुनाव में ज़्यादा मैटर करते हैं, बाकी जनसेवा के लिए ना बीजेपी को देखना चाहिए ना कांग्रेस को, मेरे हिसाब से। आप कह रहे हैं कि अगर योजना ठीक ठाक है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, चाहे आप जिस भी पार्टी के हों जी। आपके जो जीवन है सर, वो आपने बताया कि बहुत संघर्षपूर्ण रहा, अब सबसे यंगेस्ट पार्षद हैं, लेकिन अभी जो गुजरे समय हैं उसमें आप पर आरोप लगे थे क्रॉस वोटिंग के, क्या था वो मामला? ज़रा आज आप हमारे साथ हैं तो ज़रा बता दीजिए खुलकर, क्योंकि मौका मिलता नहीं है ऐसा। वो एक, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक पछाड़ था, और राजनीतिक जीवन में, राजनीति में आने से मतलब बहुत सारे चीज़ों को झेलना पड़ता है, तो वो भी एक आरोप, तो बहुत सारे और आरोप तो लगते ही हैं, तो उनमें से एक आरोप ये भी थे। और ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से हमने कांग्रेस का झंडा लहराया है। हमारी तीसरी पीढ़ी है जो कांग्रेस का झंडा भी लहरा रही है हमारे वार्ड में, आज तक बीजेपी भी नहीं आई है। आपके परिवार वाले आप पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे थे कि इन पर दबाव बनाया जा रहा है उस समय? उस समय कुछ ऐसे अब चीज़ें थे, अब हम भी राजनीति में नए थे, मतलब मेरा खुद का अनुभव नया था, तो उस समय ऐसा था, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी, क्योंकि मेरा मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आया और कर रहा था काम, लेकिन बीच में ये इंसिडेंट हुआ जिसके लिए मैं पहले से रेडी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे हर तरीके से रेडी हूँ, मेंटल भी हर तरीके से पूरे तरीके से रेडी है। लेकिन सबसे यंगेस्ट आप हैं, अपनी बातों को आप किस ढंग से रखते हैं सदन में, ज़रा इसको बताइए। कभी पूछते हैं ऐसे पार्टी मीटिंग होती है जब, तो कुछ सुझाव देते हैं कि सर इसको ऐसा करना चाहिए? आप तो छोटे हैं, बात मानते भी हैं? अरे आप तो छोटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, पार्षद होता है, जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो 80 साल का हो या 21 साल का, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम सलाह देते हैं, और हमारे जो बड़े हैं वो बिल्कुल हमारी बातों को ध्यान देकर उसे वो कर। राजनीति में आए हैं, किनको देखकर आप ज़्यादा प्रभावित हैं? मेरे आइडल तो मेरे पिताजी ही हैं, राजनीति में मेरे पिताजी के नाम से ही हम आए हैं, हमारे पिताजी शायद अगर राजनीति नहीं करते तो आज हम राजनीति में नहीं रहते। पिता का विरासत है इसीलिए उसको आगे बढ़ाना है, ऐसा है? पिताजी का विरासत तो नहीं है, पिताजी की जो हमारी सोच थी समाज सेवा को लेकर, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम राजनीति में आए हैं, राजनीति प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने के लिए। तो संवैधानिक पद का होना भी बहुत जरूरी है कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए, इसलिए हमने राजनीति को चॉइस किया। अच्छा, तो ये अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ तो किसी भी पार्टी के सबसे अच्छे नेता आपको कौन लगते हैं? क्योंकि आप यंग है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आजकल युवाओं के मन में ना तरह तरह के ख्याले आते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजनीति में हैं, पार्षद बने हैं, ज़रा बताइए। अब सबसे अच्छे नेता की बात प्रदेश में या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में, तो तीनों उसमें देखता हूँ,
तो मुझे तो हमारे प्रदेश में भूपेश बघेल जी लगते हैं हमारे, और नेशनल वाइज अपन देखें तो राहुल गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और कन्हैया कुमार जी हैं जो हम जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनको सुनते हैं। कभी मिले हैं? मिले थे अभी जो कॉन्क्लेव हुआ था कांग्रेस का, उसमें हमने मिला था उनसे जी। आपके वार्ड पर ही आते हैं सर, आपके यहाँ बहुत से एरिया जैसे कि बताया, गार्डन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ गार्डन नहीं है। गार्डन नहीं है, लेकिन हम जब घूमते हैं ना बहुत से, आपने कुछ देर पहले बताया कि अलग अलग शहर से यहाँ से खाने कमाने लोग आते हैं, उन एरियाज में जाओ तो थोड़े से आपराधिक जो गतिविधि है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों की शिकायत ये रहती है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस की ठीक से नहीं होती, लूटपाट की घटनाएं हैं, आपके संज्ञान में आए हैं कभी? लूटपाट की तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपस में कई बार ऐसे होते हैं, क्योंकि चूँकि बस्ती है वहाँ, मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं कि आज भी लिटरेचर कम है वहाँ पे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की लिटरेसी बढ़े, उसके लिए अलग अलग हमारा प्रयास किया जा रहा है हमारे एनजीओ के माध्यम से कि वहाँ के जितने लोग हों साक्षरता प्राप्त करें ज़्यादा से ज़्यादा। बस वही एक अभाव है मैं समझता हूँ जिसके कारण वो सारी होती है, वो जो भी होता है वो आपस में होता है। शिक्षा की बात कही तो आपके यहाँ सरकारी स्कूल है? जी सरकारी स्कूल है, हमने आत्मानंद के लिए पिछले बार भी दिया था, लेकिन पिछले बार किन कारणों से नहीं होने के कारण हमने फिर से अभी आवेदन किया है हमारे स्कूल को भी आत्मानंद योजना के तहत किया जाए। हम बहुत से जब बुजुर्गों से मिलते हैं ना तो उनकी एक शिकायत रहती है पेंशन को लेकर, आप चूँकि पार्षद हैं तो आप इसको बेहतर बता पाएंगे, पेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, आपको वोट दिया है आपको कोसते हैं। बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन क्या है ना हम भी मतलब जहाँ से पेंशन आता है सेंट्रल से ही आता है, पेंशन योजना जो चल रहा है सेंट्रल से चल रहा है, कई बार दिल्ली से पैसा नहीं आने की वजह से भी यहाँ पर पेंशन मतलब लोगों को पेंशन मिलने पर थोड़ा सा लेट होता है, जिसका सामना हम लोग को करना पड़ता है। तो मैं तो सरकार से यही मतलब विनती करूँगा यही कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों का पेंशन टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि आज हमारे लिए 300-500 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन जिनको 500 रुपये मिल रहे हैं उनके लिए पूरे महीनों भर की उनकी दवाई के लिए और उनके खाने वाने का जो रहता है उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है 500 रुपये। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि कम से कम बुज़ुर्गों के लिए जो वृद्धा पेंशन होता है वो समय पे समय है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिजली की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ, ठीक ठाक? बिजली की व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक है, कुछ कुछ अभी एक दो ट्रांसफार्मर हैं जो हमने अभी नए लगा रहे हैं जिससे और व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। बिजली का बस वही है कि बहुत बार बिजली ऑफिस में भी हमने जो आज की डेट में केबलिंग जो हो रही है ना, इतनी ज़्यादा केबलिंग हो गई है कि वायर एक मतलब कीड़े मकोड़े की तरह आप ऊपर नज़र डालो तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, तो उसको सुधार करने के लिए हमने आवेदन किया है। तालाब है? तालाब भी नहीं है हमारे यहाँ। क्या हम जब घूमते हैं ना तो बहुत से शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ तालाब है गंदा है, सौंदर्यीकरण के लिए हम नगर निगम में हम आवेदन कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। खैर सड़कों की स्थिति के बारे में बताइए, आपके यहाँ कैसा है सड़कें की स्थिति? अमृत मिशन योजना के कारण तो ख़राब थी, लेकिन हमने उसको सुधरवाया है, बहुत सारे रोड है जो मेरे कार्यकाल में नए बने हैं जिसके कारण स्थिति अभी ठीक है। कुछ समय पहले बीजेपी कह रही थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, खैर अब तो चुनाव होने वाले, लोकसभा के चुनाव कुछ दिनों में होंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों का होने वाला है, क्या लगता है इस बार? वो लोग तो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में भी रहेगा, राज्य में भी रहेगा और यहाँ नगर निगम में भी भाजपा आने वाली है, आपका आकलन क्या कहते हैं? ऐसा मेरे को ऐसा लगता है सही कैंडिडेट हमारे यहाँ से फिर से एक बार देंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का फिर से एक बार मेयर आएगा इस बार फिर से कांग्रेस का मेयर आएगा। अगर आपको इस बार मौका मिलता है तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, और ये जो बचे चुनाव हैं उससे पहले कौन सा वो कार्य जो छूट गए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आचार संहिता कुछ दिन में लग ही जाने हैं? हमारे यहाँ चल रहे हैं, एक तो पहला पानी का मुद्दा है जो
पेयजल की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए हम लगे हुए हैं और चुनाव से पहले हम कंप्लीट कर देंगे ऐसा हमें लगता है। और दूसरा जो है जल भराव की समस्या, जिसके कारण पूरे वार्ड एक टापू बन जाता है बरसात के दिनों में, तो उसके लिए भी हमने 3 करोड़ रुपया अधिसूचना मत से पास किए थे, लेकिन नए सरकार आने के कारण फिर से वो वापस वो चले गए स्वीकृति के लिए, वो पैसा वापस हो गया है। तो वही आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को फिर से विनती करता हूँ कि हमारे उसको जल्दी स्वीकृत कर हमको, हमारे जो वार्ड के लोग हैं जो जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं उनको रिलीफ दें। तो कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव में जाएंगे अगर टिकट मिलता है आपको? तो आपके कार्यकाल अपने काम की सफलता को लेकर जाएंगे या फिर आगे का एम्बिशन और रहेगा? अपने बिल्कुल अपने कार्यों की सफलताओं को लेकर हम जाएंगे चुनाव में, और नए भी हमारे पास मुद्दे हैं क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, मेरे हिसाब से मैं एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि होने के नाते अब वार्ड में एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें लोगों को ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत ना पड़े और लोगों का काम मतलब स्मार्ट तरीके से हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। जाते जाते अपने वार्ड वासियों को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें? बस जो प्रेम आशीर्वाद आपने दिए है फिर से इस बार मैं अपेक्षा करता हूँ, और आज तक जो दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपने सुना गुरु गोविंद सिंह वार्ड, वार्ड नंबर 29 राजधानी रायपुर का ये है, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में सबसे युवा पार्षद हैं पुरुषोत्तम बेहरा जी, जिनके साथ हमने बातचीत की, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने परिवार के संघर्ष के बारे में बताया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन राजनीति में भी हैं, आगे भी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहते हैं। अगर इस बार मौका मिला तो वो अपने कार्य की सफलता को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ इस बार फिर से राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी का ही मेयर चुन के आएंगे, ऐसा इनका कहना है। बहरहाल इनके दावे में कितनी सच्चाई आगे चल के आती है इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।